तस्वीरां उना बच्चियां दियां ने जो द सरदूलगढ़ कोऑपरेटिव मार्केट कॉम प्रोसैसिंग सभा लिमिटेड दे विच असामी दा इंटरव्यू देण दे लई पहुंचे होए सन, पर इस मौके उना नू खज्जल खुआर होना पिया। सिलेक्शन कमेटी हाजर ना होण दे कारण उना नू खाली हाथ ही वापस मुड़ना पिया। पंजाब सरकार दे वल्लों नौजवानां नू नौकरी देण दा वादा तां कीता जा रिहा है, पर कुछ अजिहियां वी घटनावां सामणे आ रहियां ने जिथे नौजवानां नू इंटरव्यू दे नाम दे उत्ते खज्जल खुआर कीता जा रिहा है। यह मामला सरदूलगढ़ का है जिथे द सरदूलगढ़ कोऑपरेटिव मार्केट कम प्रोसैसिंग सभा लिमिटेड दे विच कलर्क कम सेल्समैन दी असामी लई इंटरव्यू होनी सी, पर इंटरव्यू लैण वाली टीम मौके उत्ते हाजर नहीं सी, जिस दे चलदे इत्थे पहुंचे विद्यार्थियों नू काफ़ी परेशानियों का सामना करना पिया। इन्नी गर्मी दे विच बच्चे खज्जल खुआर हुंदे रहे। सरदूलगढ़ तो अज दी आवाज़ दे लई पत्रकार रणजीत गर्ग की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदनी राणी है, मेरा पिंड सरदूलगढ़ ही है। सानू 11 बजे का टाइम दिता से इतने जॉब पर आने लिए, मतलब कि इंटरव्यू लिए, बट असं 10:30 बजे आके बैठे हैं, पर सानू हाले कोई जवाब ही नहीं दिता इन्होंने भी कि कैंसल क्यों कर रहे या कुछ भी। ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं दस्या भी कैंसल क्यों कर रहे, क्यों नहीं आए इतने, भी क्यों, सानू कुछ भी नहीं दस्या। कुछ नहीं दस्या जी सानू हाले तक। तो बहुत सारे कोई तरन तरन तो आया, कोई मानसा तो आया, कोई कितों आया, कुछ भी नहीं पता मैनू तो सच्ची। इस बारे इन्ना ज्ञान भी नहीं सी, ओह जो भी है जो मैनू नहीं पता इस बारे, पर भरते सी क्योंकि जॉब की इन्नी लोड़ है, बेरोजगारी इन्नी है। अज सानू 11 बजे का टाइम दिता गया सी इन्हां वल्लों, हजे तक इन्हों चो कोई भी नहीं आया सानू, ना कोई मैसेज आया कदों होना गा, कदों इंटरव्यू होनी है, कोई डेट नहीं दसी गई, एक भी तरह का मैसेज नहीं आया, साडे नाल कोई गल नहीं की गई। सानू 12 तो 12:30 का टाइम हो चुका हुण तक, किसी ने साडे नाल आके गल नहीं की गई। असीं इधरों मानसा सरदूलगढ़ एरिए तो आए जी, मानसा कहने तो यह किन्ने बच्चे आए थे, हुण जाण लग गए सारे घरां नू, कोई रुक नहीं रहा गा, इत्थे नाल भी नहीं खड़ रहा कोई, तो है 40-50 जणे दा इंटरव्यू होना सीगा, किसी वल्लों कोई जानकारी भी नहीं दी गई सानू, पहला सुबह भी नहीं कोई जानकारी नहीं सी किने आउणा सी, किन्ने बजे इंटरव्यू होनी सी। सानू नहीं अगे तो साडे कोल मैसेज तो कोई उही नहीं दिता सी, रस्ते दिते सी, रिज्यूम दिते सीगे, कल्ले टाइमिंग दित्ती सी, एडवरटाइजमेंट ते पाया होया सीगा, आ इन्ने जणे नाल खड़े ने, इन्हां नाल किसे नाल कोई गल नहीं होई। ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰੱਖਣੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਭੇਜਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, 11 ਵਜੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਆਏ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਕਰਿਓ? ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ 2-2-3-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਪਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
या तो पक्का करन फिर तो बच्चे आने नहीं आए मजाक बुला के मजाक कराने जो बच्चे ने ऐ टीचरबाजी करे फिर कि बच्चे आने फिर नहीं की पता है हजे तो मजाक ही होगा है जी मजाक है बच्चों नाल देखो जी कैंसल क्यों हुई क्यों नहीं हुई वो बाद का विषय पहला सरकार बदली है पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार आई है परंतु हले भी कुछ पदों के उत्ते साडे जिहड़े ने कांग्रसी या अकाली दल के कुछ मोहतबर बंदे शामिल ने हले भी कुछ अहुदों के उत्ते वो जाण बुझ के सरकार को बदनाम करन लई अज देखा गया सी बच्चों का भविख देखो की है वह पढ़ लिख के अज आए ने इत्थे इंटरव्यू लई तो इतने जो मौके पर आ गए वह घंटा वेट किया उन्होंने पता लग्या भी जिहड़े इंटरव्यू लैण वाली कमेटी है कांग्रेस की कोई हैगी है वह चेयरमैन भी कांग्रेस का वह तो वह मौके उत्तों कहते भी असी नहीं आ सकते साड़ी तो कहते कोर्ट च पेशी है जो कि यह महीना पहले ही पता चल जाता अपन भी पेशी अपनी किस दिन की है तो बच्चों नाल खिलवाड़ क्यों कोई तरन तारण तो आया कोई कितों आया जी दूरों दूरों बठिंडे तो आ रहा कोई मानसा तो भी इन्हों खिलवाड़ क्यों इन्हों जानकारी सही क्यों नहीं दी गई असी कोई गल नहीं असी ये गल साडे प्रशासन साडे सरकार के ध्यान भी लियावांगे गाहां तो भी अहियां कोई जिहड़ियां कोताहियां हुंदियां ने भी अग्गे तो ना होण देखो देखो ये चलते ही रहा आते रहते हैं ये सरकार नीचा दिखाने की कोशिश करने हथकंडे अपनाए जाते हैं उन्होंने ही एक हो सकता बिल्कुल परंतु चलो ये असं छानबीन करा जरूर भी ये किस वजह न क्यों किया गया सारा कुछ जी इकबालप्रीत सिंह है जी मैं बतौर सरकारी नुमाइंदा हाजिर हाँ जी इतने अज सी एम एस सरदूलगढ़ की कलर्कम सेल्समैन की भर्ती लई इंटरव्यू रखी गई थी जी 2 तरीक की जिस विच लक्ष्मण सिंह प्रधान मुकंद सिंह कमेटी मैंबर तो सरबजीत सिंह कमेटी मैंबर सब कमेटी के मैंबर सीगे जी जिन्हां ने मंदा रखना सीगा अते इसका समा सीगा जी 11 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होनी सी पर कुछ कारण करके मैंबर हाजिर नहीं आए जी जिस करके अज का जिहड़ा प्रोसैस है जी ये नहीं मुकम्मल हो सकया तो जेडे मैंबर की अपने को एप्लीकेशन आई ने जी 22 तरीक सी उन्हों की लास्ट 22/8 जी वह एप्लीकेंट्स आप अगे फरदर रजिस्ट्री राही या जो भी पॉसीबल वे होगा उस राही सूचना दे के दोबारे इंटरव्यू लिए कॉल की जाएगी जी नहीं नहीं जी 22/8 तक जीडिया एप्लीकेशन सभा के पास मौजूद आई हुई ने जी वह उन्होंने ही विचार होगा।